हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कानपुर एनकाउंटर के चार दिन बाद भी हत्यारे विकास दुबे का सुराग नहीं है। कानपुर में आज फिर पुलिस ने छापेमारी की। यूपी के कानपुर में आज पुलिस को तलाशी के दौरान विकास दुबे के घर से कुछ देसी बम भी मिले जिन्हें नष्ट किया गया। विकास दुबे के कानपुर एनकाउंटर में चौबेपुर के पूरे थाने की हो रही है जांच। 10 पुलिस वाले ट्रांसफर हुए। थाने में विकास दुबे के लिए जासूसी करने का है आरोप। 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे विकास दुबे का नया वीडियो सामने आया। 2019 के इस वीडियो में विकास गांव में लोगों को धमकाता हुआ नजर आया। हत्यारे विकास दुबे की अब यूपी में अकबरपुर के बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले के साथ तस्वीरें सामने आई। सांसद बोले, विकास अपराधी है। यूपी में सबसे बड़े एनकाउंटर के गुनहगार विकास दुबे का घर तोड़ने पर कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाए। पूछा, किस कानून के तहत पुलिस ने घर गिराया। यूपी में कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चीन सीमा के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रोड निर्माण बंद नहीं होगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से पूरी जानकारी ली। चीन ने इस निर्माण पर जताई है आपत्ति। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान और चीन के खिलाफ बगावत हो रही है। मुजफ्फराबाद के लोगों ने नीलम और झेलम नदी पर बांध बनाने का विरोध किया। भारत के बाद अब अमेरिका में भी बैन हो सकते हैं चीनी सोशल मीडिया के ऐप्स। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, बैन करने पर विचार हो रहा है। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार से पूछा, एलएसी पर चीन के साथ मोदी सरकार की रणनीति ऐसी कि चीन 20 जवानों की शहादत को सही ठहरा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार हुई। कल 22,000 से ज्यादा नए केस आए। अब तक 7,00,000 लोगों को पूरे देश में कोरोना संक्रमण हो चुका है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना संक्रमित हुई। घर के सभी सदस्य होम क्वारंटीन किए गए। मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज कराया गया। यूपी में कानपुर के शेल्टर होम में 50 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर हड़कंप मच गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने बॉर्डर सील किए। कांवड़ियों के आने पर रोक लगाई है, इसलिए सुरक्षा तैनात कर दी गई है। पंजाब में आज से बिना ई रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं हो रही है। बॉर्डर पर पुलिस की सख्त चेकिंग है। मोहाली और जीरकपुर से तस्वीरें सामने आई। दिल्ली नोएडा के बीच आज कई बार डीएनडी फ्लाईवे पर लंबा जाम लगा। नोएडा में एंट्री के लिए होती है चेकिंग, लेकिन लेन कम खुली होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है। तमिलनाडु में कोरोना मामलों की संख्या 1,15,000 हो गई है। कल एक दिन में करीब 3,900 मामले सामने आए। चेन्नई में 750 बेड का स्पेशल अस्पताल आज से चालू हुआ। पेट्रोल डीजल के साथ सब्जियां भी महंगी हुई। दिल्ली में टमाटर के दाम 80 रुपए तक पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि फसल खराब होने और माल की कमी से महंगा हुआ है टमाटर। कर्नाटक में 96 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हरा कर दिखाया। इलाज के बाद चित्रदुर्गा अस्पताल से छुट्टी हुई। गृह मंत्रालय ने यूजीसी से विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों की हर हाल में परीक्षा लेने को कहा है। यूजीसी जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगी। कई राज्यों ने इस साल सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यूजीसी के विश्वविद्यालयों में इसी साल परीक्षा कराने के आदेश पर विवाद भी तेज हो गया है। एनएसयूआई यूजीसी की गाइडलाइंस का विरोध कर रही है। दिल्ली में किया प्रदर्शन। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना। लिखा, मोदी ने कहा था 21 दिन में
कोरोना को हराएंगे, लेकिन 100 दिन बाद भी ये क्यों नहीं हुआ खत्म। कोरोना संकट के बीच ईद के लिए अब ऑनलाइन बिक रहे हैं बकरे। एमपी के कई जिलों में कई व्यापारियों ने बकरे बेचने का ऑनलाइन धंधा शुरू किया है। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला। अमेरिका में पढ़ने वाले वैसे विदेशी छात्र वतन वापस लौटेंगे जिनके क्लास ऑनलाइन हो रहे हैं। वीजा वापस ले सकती है ट्रंप सरकार। गुजरात में तेज बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार मच गया। नदियां उफान पर हैं। जामनगर में रणजीत सागर डैम में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। शहर के निचले इलाके डूब गए हैं। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी में किनारे आकर नाव पलट गई। बाल बाल बचे लोग। नाव में ज्यादा लोग सवार होने से ये हादसा हो गया। गुजरात में बाढ़ की मार जानवरों पर भी पड़ रही है। राजकोट के गांव से तस्वीरें आईं। पानी की लहर में भैंस बह गई। तेज बारिश के बाद टूट रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगह ट्रैफिक बंद। चट्टान टूटने से रास्ते बंद हो गए हैं। नेपाल से सरयू नदी में पानी छोड़े जाने पर यूपी के बाराबंकी में बाढ़ जैसे हालात। दर्जनों गांव पानी से गिर गए। जमीन कटाव के डर से लोग गांव छोड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज फिर बदला मौसम। कई इलाकों में दोपहर को अच्छी बारिश हुई। गर्मी से मिली लोगों को राहत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद, 3 जख्मी हुए, एक आतंकी भी ढेर किया गया। दुबई के कॉन्सुलेट की एक कर्मचारी स्वप्ना सुरेश पर सोने की तस्करी का आरोप लगा। आरोपी स्वप्ना की केरल के सीएम पिनराई विजयन के साथ तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के सामा में ट्रक से नशे की खेप बरामद। कोरेक्स की खांसी की दवा की 6,000 बोतलें और दूसरी दवाइयां भी पकड़ी गई जो नशा तस्कर करते हैं इस्तेमाल। हरियाणा के कैथल में श्रृंगी ऋषि आश्रम के महंत रामभज दास की हत्या में खुलासा। रामभज ने ही एक और महंत की सुपारी दी थी। हथियारों को एडवांस कम दिया था तो हथियारों ने रामभज को ही मार दिया। पंजाब के लुधियाना में अकाली दल का प्रदर्शन हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र और राज्य की अकाली सरकार ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में सड़कों पर महिला अपराध रोकने के लिए पुलिस की नई पहल। महिला पुलिस की नई टीम सड़कों पर घूमेगी। महिला टीम को नाम दिया गया है निर्भीक। बिहार में महागठबंधन के हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा गठबंधन में हमारी मांगों का ध्यान रखे कांग्रेस, वरना 11 तारीख को बड़ा फैसला करेंगे। जेडीयू में जा सकते हैं मांझी। जापान में बाढ़ और बारिश से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लापता हैं। यहां कई शहर तो पूरी तरह पानी में डूब गए। पूर्व कप्तान धोनी आज 39 साल के हो गए। दोस्त ने आर्मी वाली तस्वीर शेयर की। पत्नी साक्षी ने कहा, एक नए साल के साथ थोड़े और स्वीट हो गए हैं धोनी।